हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपक तिवारी एंड आई एम ए बायोलॉजी फैकल्टी एट मैट्रिक्स हाई स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट NSCJS 2019 पेपर एंड देयर सॉल्यूशंस। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। इट इज़ गिवन दैट इन केस ऑफ माइस कोट कलर, टू जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द हेयर। जीन ए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट्स ऑन शाफ्ट ऑफ हेयर। Wild type allele of A produces a yellow band on dark hair shaft, that is agouti, whereas recessive allele produces no yellow band. There is another allele of A known as AY, which is embryonic lethal in homozygous condition only. In an experiment, two yellow mice were crossed to obtain a progeny of 6 pups. What would be the most probable नंबर ऑफ अगौटी माइस अमंग देम? तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर हम दो येलो माइस की क्रॉसिंग करवाएं तो हमें उस क्रॉस के बाद कितने अगौटी माउस मिलेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमने दो येलो माउस लिए जिनका जीनोटाइप AAY एंड AAY है, इनकी अगर क्रॉसिंग करवाएं तो हमें कौन कौन से रिजल्टेंट हमें मिलेंगे। फर्स्ट वन इज AA, ठीक है, कैपिटल A। आफ्टर दैट Capital A and Capital AY, then Capital AY and finally AY. अब ये जो हमें रिजल्टेंट मिले इनमें हम देखेंगे कि आपका जो ये AY है, ठीक है, ये हमने पहले ही देखा था कि ये एम्ब्रायोनिक लीथल है। ठीक है, AY जो है हमने देखा कि इट इज़ एम्ब्रायोनिक लीथल इन होमोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस कंडीशन में जब ये एम्ब्रायोनिक लीथल है मतलब ये डेड होगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हमें फाइनली कितने मिलेंगे रिजल्टेंट? हमें रिजल्टेंट 3 मिलेंगे। उन पप्स में से हमें एक मिलेगा जो कैपिटल A है, वो अगौटी मिलेगा हमें। इसके बाद कैपिटल A कैपिटल Y, ठीक है, एंड कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल Y, ये वाले जो मिलेंगे हमें येलो मिलेंगे। तो हमें 3 माउस अलाइव हैं, इन 3 में से एक अगौटी मिला। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई अगौटी मिलने की? 1/3 प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर हम बात करें 3 अलाइव में से हमें एक अगौटी मिला तो 6 में से कितने अगौटी मिलेंगे? हमें 2 अगौटी माइस मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सेकेंड, दैट इज 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए स्टेन वॉज डेवलप्ड बाय ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट टू स्टेन ए पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल। द स्टेन वॉज टेस्टेड ऑन वेरियस टिश्यूज डिराइव्ड फ्रॉम एन ऑटोप्सी सैंपल फ्रॉम ए मैमल। द ऑर्गेनल्स वर काउंटेड, द रिजल्ट शोड मैक्सिमम नंबर ऑफ द ऑर्गेनल्स इन सेल्स ऑफ ब्रेन, लेसर इन सेल्स ऑफ हार्ट, लीस्ट इन मैच्योर स्पर्म्स एंड एब्सेंट इन एरिथ्रोसाइट्स। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, सेल ऑर्गेनल्स दिए हुए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे किस सेल ऑर्गेनल की बात हो रही है। पहला हम इसका ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है निसिल बॉडीज। तो निसिल बॉडीज की अगर हम बात करें तो दीज आर फाउंड ओनली इन न्यूरॉन्स, तो बाकी में ये पहले से ही एब्सेंट है तो ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। सेकेंड हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेन सेल्स में सबसे ज़्यादा मिलता है क्योंकि ब्रेन की हाई एक्टिविटी होती है और उसको एनर्जी की कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट होती है। तो उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया इनॉर्मस अमाउंट में, मोस्ट अमाउंट में हमें चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेन में सबसे ज़्यादा मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, उससे कम मिलेंगे हमें हार्ट के सेल्स में, एंड देन मैच्योर स्पर्म्स में सबसे लीस्ट मिलेंगे इन सब में से, एंड फाइनली एरिथ्रोसाइट्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। बट इसके बाद वाले हम सेल ऑर्गेनल्स, दैट इज गॉल्गी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी देख लेते हैं। इन दोनों सेल ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करें तो ये मैच्योर स्पर्म्स में दोनों एब्सेंट होते हैं, तो ये भी हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस ग्रोज एट लो टेम्परेचर्स इन रशिया, द प्लांट सर्वाइव्स अंडर सच फ्रीजिंग कंडीशंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि चार ऑप्शंस दिए हुए, इन चारों ऑप्शंस में से, इन फोर ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है रिगार्डिंग
सर्वाइवल ऑफ पाइनस सिल्वेस्ट्रिस इन लो टेम्परेचर्स. तो लो टेम्परेचर्स में सर्वाइव करने के लिए हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहनी चाहिए, या कह सकते हो फ्रीज नहीं होनी चाहिए. उसको फ्रीज होने से बचाने के लिए कौन से इनमें से रेस्पॉन्सिबल है ऑप्शन, उसको हम कंसिडर करेंगे. हम पहले सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं. तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, उनका फ्लूइडिटी से रिलेशन, कोई इंपॉर्टेंट रिलेशन नहीं होता. तो ये दोनों हमारे ऑप्शन नहीं होंगे. हमारा ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते. इसके बाद हम फर्दर बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, सैचुरेटेड लिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सैचुरेटेड लिपिड्स की बात करें तो सैचुरेटेड लिपिड्स ये बहुत जल्दी फ्रीज हो जाते हैं, तो ये हमारे ऑप्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि ये फ्रीज हो जाएंगे तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन रहेगी नहीं रहेगी. तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये भी क्या हो गया, गलत हो गया. फाइनली लास्ट ऑप्शन बचता है पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये जो पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्रीज नहीं होते, और साथ के साथ हम बात करें उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ वन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप सर्टेन पैथोजन कॉज्ड अ डिजीज इन प्राइमेट्स विद नेजल कंजेशन सोर एंड फीवर बींग द कॉमन सिम्टम्स. ठीक है, अब ये कुछ सिम्टम्स दिए हुए डिजीज के. द साइंटिस्ट इंजेक्टेड एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ब्लू ग्रीन मोल्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन. साइंटिस्ट ने क्या किया, ब्लू ग्रीन मोल्ड से कुछ एक्सट्रैक्ट डाला, ठीक है, ताकि उस डिजीज से प्रोटेक्ट किया जा सके. हाउएवर द सिम्टम्स डिड नॉट सबसाइड. इसके बाद भी क्या हुआ, सिम्टम्स कम नहीं हुए. द पॉसिबल कॉजिटिव एजेंट्स ऑफ द डिजीज वर लिस्टेड आउट एज फॉलोज. हमें ये फोर ऑप्शन दे रखे हैं कि ये पॉजिटिव एजेंट्स हो सकते हैं. हम चारों को चेक करते हैं. पहली चीज, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कुछ सिम्टम्स लाइक कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं. सबसे पहला सिम्टम हमें दिया हुआ है नेजल कंजेशन, इसके बाद हमें दिया हुआ है सोर एंड फीवर. ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं. अब हमें देखना है कि इन सिम्टम्स में से कौन से सिम्टम कौन से डिजीज में देखने को मिलेंगे. तो जो फंगल इन्फेक्शन है या टेपवॉर्म है, ये दोनों इस तरह के सिम्टम शो नहीं करते. जब भी ये इन्फेक्शन होता है, इस तरह के कोई सिम्टम शो नहीं करते. अब दो ऑप्शन बचते हैं, उनके लिए हम आगे देखते हैं. साइंटिस्ट ने क्या किया, ब्लू ग्रीन मोल्ड. ब्लू ग्रीन मोल्ड की बात करें तो ब्लू ग्रीन मोल्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है पेनिसिलियम. और पेनिसिलियम आपको पता है, पेनिसिलियम इज ए फंगस विच रिलीजेस पेनिसिलिन. तो पेनिसिलिन यहाँ पे बताया गया है कि पेनिसिलिन इफेक्टिव नहीं है. पेनिसिलिन देने के बाद भी आपके सिम्टम्स कम रिड्यूस नहीं होते, कम नहीं होते. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वायरस पे पेनिसिलिन एप्लीकेबल नहीं होता. क्यों नहीं होता, क्योंकि वायरस में सेल वॉल नहीं होती, और पेनिसिलिन का काम क्या होता है, सेल वॉल की फॉर्मेशन को रोकता है. इसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन और बचता है. थर्ड में देखते हैं हम एक कॉन्जुगेशन डेफिशिएंट बैक्टीरियम. यहाँ पे एक बैक्टीरिया की बात की जा रही है, कॉन्जुगेशन डेफिशिएंट बैक्टीरियम की. ये बैक्टीरियम जो बताया जा रहा है वो होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ये कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे जो पेनिसिलिन है वो इफेक्टिव नहीं होती. ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे पेनिसिलिन इफेक्टिव नहीं होती, जबकि ग्राम पॉजिटिव पे पेनिसिलिन इफेक्टिव होती है. तो एक ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो सकता है. तो हमें इन दोनों में से कौन से ऑप्शन में हमें मिल रहे हैं दोनों, दैट इज वायरस एंड एक कॉन्जुगेशन डेफिशिएंट बैक्टीरियम, फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड ऑप्शन में. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकेंड वन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. देखो, इस क्वेश्चन में आपका बोला गया है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज स्टडीइंग डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अंडर कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशंस. फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय देम. पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, द लार्वे हैड ए रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दैट सेपरेटेड द नर्वस सिस्टम एंड द गट. यहाँ पे बात हो रही है किसकी, नोटोकॉर्ड की. और आपको पता है नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन
कॉर्डेट्स ओनली, इट इज एबसेंट इन नॉन कॉर्डेट्स। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन फोर्थ है ये तो गलत हो गया, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि आर्थ्रोपोडा इज नॉन कॉर्डेट। अब इसके बाद हम बात करें सेकेंड, प्रोमिनेंट सेंट्रल कैविटी वॉज प्रेजेंट इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ द लार्वे वाइल द एडल्ट हैड सेरिब्रल गैंग्लिया एज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसके बाद द आईज वर प्रोमिनेंटली सीन इन लार्वे, नेक्स्ट द टेल वर एबसेंट इन एडल्ट्स विच द लार्वा हैड, एंड फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ दिया हुआ है इसमें, ए लॉट ऑफ फैगोसाइटिक एक्टिविटी वॉज ऑब्जर्व बिफोर कन्वर्जन ऑफ लार्वे इन टू एडल्ट्स, एंड फाइनली दिया हुआ है द एडल्ट हैड ए क्यूटिक्यूलर एक्सोस्केलेटन। अगर हम इन सबको प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे कैरेक्टरिस्टिक को, सो दे आर रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोटोकॉर्डेटा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोटोकॉर्डेटा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में आपके एक बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे इनमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एरो किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इस डायग्राम से पहले देखते हैं, आपका जो वाई है, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है डीएनए को, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे डीएनए, ठीक है। वाई यहां पे किसका एक्सप्रेस कर रहा है, डीएनए को। इसके बाद हमें देखना है कि क्यू प्रोसेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डीएनए से अगेन डीएनए बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, रेप्लिकेशन। तो क्यू इज रिप्रेजेंटिंग रेप्लिकेशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, वाई से बन रहा है एक्स, तो वाई से एक्स दैट इज डीएनए से बन रहा है आरएनए, तो ये क्या है, आरएनए। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस, ये कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए की प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद हम बात करें एक्स से वापस वाई बन रहा है, ये आपको देखने को मिलता है कुछ स्पेसिफिक वायरसेस में। ऐसे वायरस जिनमें आरएनए ऐसे जेनेटिक मटेरियल होता है, वो क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी में जाने के बाद वापस से डीएनए फॉर्मेशन करते हैं और फिर अपनी कॉपीज बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज पी, इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहां पे ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स हो रहा है, तो इसको क्या बोला, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद हम बात करें एक्स से बन रहा है जेड, ये प्रोसेस आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहां पे जेड क्या हो गया, प्रोटीन। जेड क्या हो गया, प्रोटीन, और एस क्या हो गया, एस कहलाएगा प्रोसेस ट्रांसलेशन। एस कौन सी प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे, ट्रांसलेशन को। हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रेप्लिकेशन को, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं क्यू रेप्लिकेशन तीन ऑप्शंस में है, पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। फिर हम आर को देखते हैं, आर रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन को, तो हम यहां पे आर के लिए देखते हैं बचे हुए तीन ऑप्शंस में, आर यहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दे रखा है, यहां पे आर ट्रांसलेशन दे रखा है, यहां पे ट्रांसक्रिप्शन दे रखा है, तो हमें यहीं से अपना करेक्ट आंसर मिल गया, दैट इज फोर्थ वन। तो हमारा आंसर क्या होगा, फोर्थ, पी इज रिप्रेजेंटिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्यू इज रिप्रेजेंटिंग रेप्लिकेशन, आर इज रिप्रेजेंटिंग ट्रांसक्रिप्शन, एंड फाइनली एस इज रिप्रेजेंटिंग ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द वोपिंग क्रेन्स वर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन विद ऑनली 21 इंडिविजुअल्स इन वाइल्ड इन 1941, आफ्टर कंजर्वेशन मेजर्स द क्रेन्स आर नाउ इंक्लूडेड इन द एंडेंजर्ड कैटेगरी बाय IUCN, द हाईलाइट ऑफ द कंजर्वेशन एफर्ट्स इज द री इंट्रोडक्शन ऑफ द वोपिंग क्रेन्स इन द वाइल्ड, दिस वॉज पॉसिबल ड्यू टू रेजिंग ऑफ द यंग क्रेन्स इन एबसेंस ऑफ देयर पेरेंट्स बाय बायोलॉजिस्ट ड्रेस्ड इन क्रेन कॉस्ट्यूम्स, एयरक्राफ्ट गाइडेड बर्ड माइग्रेशन टेक्निक वर यूज फॉर टीचिंग द कैप्टिव ब्रेड क्रेन्स टू फॉलो द साइंटिस्ट टू लर्न द माइग्रेटरी रूट।
What type of animal behavior might be responsible for these captive bred cranes to follow the crane costume dressed scientist? तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो whooping cranes है, whooping cranes की population बढ़ाने के लिए जो measures लिए गए, उस measures के according कौन सा method को या कह सकते हो कौन से phenomena को या कौन से animal behavior को birds ने follow किया। तो यहाँ पे हम options देखते हैं। पहला कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग का मतलब अगर एनिमल कुछ अपने सराउंडिंग से लर्न कर रहे हैं उसको बोला हमने कॉग्निटिव लर्निंग। तो यहाँ पे एनिमल सराउंडिंग से कुछ लर्न नहीं कर रहे। सेकंड हैबिचुएशन। हैबिचुएशन का मतलब अगर उनको स्पेसिफिक कोई चीज़ की ट्रेनिंग दी जाए तो यहाँ पे वो भी नहीं हो रही। थर्ड आ रहा है ऑपरेंट कंडीशन। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब अगर हम एनिमल्स को क्या करें, एनिमल्स या कह सकते हो हम बात करें कि जो क्रेन्स हैं उनको हम इस बेसिस पे बिहेवियर के लिए पनिश करें या रिवॉर्ड करें कि वो फॉलो करें उस बिहेवियर को, तो उसको कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। फाइनली आता है जेनेटिक इम्प्रिंटिंग। जेनेटिक इम्प्रिंटिंग का मतलब हम बात करें कि कुछ आप कह सकते हो उनको दिखाया जा रहा है जिसको वो अपने अंदर इम्प्रिंट कर रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम बात करें साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्रेन की कॉस्ट्यूम्स में ड्रेस होकर फिर माइग्रेटरी रूट बर्ड्स को दिखाया, तो उसको उन बर्ड्स ने फॉलो किया। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं, इस बिहेवियर को बोलते हैं हम जेनेटिक इम्प्रिंटिंग। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इन द बेकिंग इंडस्ट्री व्हेन द डो इज प्रिपेयर्ड वेरियस इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स टुगेदर विद द फ्लोर। एट वन इंस्टेंस द डो वॉज फर्मेंटेड बट फेल्ड टू राइज सफिशियंटली ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस। चूज द करेक्ट कॉज फ्रॉम फॉलोइंग पॉसिबिलिटी। तीन आपको कंडीशन दे रखी है कि आपका डो प्रॉपरली कह सकते हो प्रॉपरली स्वेल अप या कह सकते हो राइज क्यों नहीं हुआ। तो इसमें पहला दिया हुआ द सॉल्ट वॉज मिक्सड बिफोर द फर्मेंटेशन प्रोसेस वार कंप्लीटेड। बिल्कुल ये हो सकता है क्योंकि सॉल्ट किसकी तरह ऐड करेगा, सॉल्ट इनहिबिटर की तरह ऐड करेगा। तो ये आपका सॉल्ट किसकी तरह ऐड करेगा, सॉल्ट इनहिबिटर की तरह ऐड करेगा। तो ये आपका एक ऑप्शन हो सकता है। सेकेंड शुगर वॉज एडेड इन एक्सेस। एक्सेस शुगर भी किसकी तरह ऐड करती है, एक्सेस शुगर भी ऐड करेगी एज इनहिबिटर। तो ये भी आपका करेक्ट हो सकता है। एंड फाइनली ईस्ट ग्रेन्यूल्स वर नॉट एक्टिवेटेड प्रायर टू मिक्सिंग विद द फ्लोर। तो ईस्ट ग्रेन्यूल्स को अगर एक्टिवेट नहीं किया तो भी क्या होगा, आपका डो प्रॉपरली राइज नहीं करेगा। तो इसका भी थर्ड भी आपका करेक्ट हो सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन किस में दिए हुए हैं, थर्ड में। तो ये आपका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि गिवन बिलो आर फोर स्टेटमेंट्स। इसमें फोर स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं। तो पहला दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यूनिसेलुलर व्हाइल यूकैरियोटिक सेल्स आर मल्टीसेलुलर। देखो इसमें आपका फर्स्ट हाफ स्टेटमेंट तो ठीक है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, बट यूकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल्स या कहते हैं यूकैरियोट जितने भी हैं वो सब मल्टीसेलुलर नहीं होते। आपको पता है यूनिसेलुलर भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत हो गया फर्स्ट। सेकंड हम बात करें हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ये बिल्कुल करेक्ट है। आपके हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पे मिलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं आपके यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं मिलते। नेक्स्ट हम बात करें द न्यूक्लियोइड कंटेंस द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये आपका थर्ड गलत हो गया क्योंकि जेनेटिक मटेरियल आपका जो यूकैरियोट्स में है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। एंड फाइनली फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में बोला है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन व्हाइल यूकैरियोटिक फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें देखना है फॉल्स स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, फर्स्ट एंड थर्ड, और फर्स्ट एंड थर्ड हमें दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन में। तो आपका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज वर वर्किंग ऑन रीजनरेशन यूजिंग प्लेनेरिया दैट इज प्लैटी हेलमिंथेस एंड एस्टेरियाज दैट इज इकाइनोडर्मेटा। Planaria was cut into three pieces, namely a piece with head, with tail, and the middle piece. Asterias bearing five arms was cut in such a way that
After separation, six pieces were obtained, namely an arm with a portion of the central disc, four pieces cut from tips of each of the remaining arms, and the remaining body. The animals were allowed to regenerate completely. How many planaria and astidias respectively will be obtained after the completion of regeneration in both? तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि regeneration कितने parts में possible हो पाएगा. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने planaria को क्या किया, planaria को three parts में cut कर दिया. तो planaria के तीनों parts डेवलप होंगे इंडिविजुअल पार्ट्स में, रीजनरेशन हमें देखने को मिलता है प्लेनेरिया में. तो हमारे फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो गए. अब हमें एस्टेरियाज या स्टारफिश के बारे में देखना है. एक आपका पार्ट इसमें था जिसमें एन आर्म विद ए पोर्शन ऑफ सेंट्रल डिस्क. पहला ये हमें देखना है कि जिस पार्ट में सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट होगी उस पार्ट में रीजनरेशन कैपेबिलिटी होगी. सेकेंडली हम बात करें, फिर हमें फोर पीसेस कहाँ से कट किए, टिप्स से कट किए, बट बाकी बचा हुआ जो पार्ट है रिमेनिंग बॉडी वाला पार्ट भी क्या कर सकता है, रीजनरेशन कर सकता है. टिप्स वाला पार्ट रीजनरेशन नहीं करेगा. तो हमें कितने मिले पार्ट्स, ओनली टू पार्ट्स मिले एस्टेरियाज के जो रीजनरेट करेंगे. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड वन, दैट इज 3.2. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. Fecundity in animal world is the maximum possible ability of an individual to produce offsprings during its entire lifetime. Following factors were checked for their effect on fecundity of different animal models. Availability of food during breeding season, mode of fertilization and population density. Fecundity क्या है basically? Fecundity की definition यहाँ पे आपको पहले से ही बताई हुई कि is the maximum possible ability of an individual to produce offsprings during its entire lifetime. तो ये किस पर डिपेंड करेगा, पहली चीज हम बात करें ये डिपेंड करेगा आपके अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे भी डिपेंड करेगा ब्रीडिंग सीजन में, बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होगी ब्रीडिंग सीजन में तो कह सकते हो कि एनर्जी नहीं मिलेगी उनको रिप्रोडक्शन के लिए. सेकेंड, मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन पे भी डिपेंड करेगा कि कौन से मोड से फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, उस पर भी जो कह सकते हो नंबर ऑफ एनिमल्स हैं या नंबर ऑफ चाइल्ड हैं या पॉपुलेशन है वो डिपेंड करेगी. फाइनली पॉपुलेशन डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगी कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है पहले से, उस पर डिपेंड करेगी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल कितने नए बनेंगे. तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वन, जिसमें आपको तीनों बताए हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एन ऑर्गेनिज्म हैज 27 pairs of homologous chromosomes in each daughter cell after completion of mitosis and each gamete after completion of meiosis second and meiosis second. This number chromosome would be present respectively. हमें बताया हुआ है कि mitosis के बाद और gamete formation जब होगी तो कितने आपके क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे. तो यहाँ पे 27 पेयर बताया हुआ है. तो 27 पेयर की अगर हम बात करें तो 27 पेयर का मतलब हो गया आपके 54 क्रोमोसोम्स. 27 पेयर का मतलब हो गया 54 क्रोमोसोम्स. आपको पता है कि माइटोसिस के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, दैट इज 54 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको माइटोसिस के बाद देखने को मिलेंगे. इसके बाद हम बात करें तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 54 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलेंगे. इसके बाद हम फर्दर बात करें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकंड. मियोसिस सेकंड के बाद हमें पता है कि मियोसिस के टाइम पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस होके हाफ हो जाते हैं. तो यहां पे मियोसिस के बाद हमें क्रोमोसोम नंबर कितने मिलेंगे, रिड्यूस होके हाफ, दैट इज 27. तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 27 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे. तो आपके ऑप्शन क्या हो गए, 54 एंड 27 आपका ये करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. यहां पे बोला है कि राहुल स्प्रेड केमिकल एक्स ऑन ए प्लांट विद रोजेट हैबिट. रोजेट प्लांट की बात हो रही है यहां पे. आफ्टर फ्यू डेज ही फाउंड द इंटरनोडल डिस्टेंसेस टू हैव इंक्रीज सडनली द केमिकल एक्स माइट बी. आप लोगों को पता है कि
ये रोजेट प्लांट्स में जब हम एक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन दैट इज जिब्रेलिक एसिड स्प्रे करते हैं तो वो इंट्रानोड को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे इस इफेक्ट को बोला जाता है बोल्टिंग इफेक्ट। तो हमें ये बोल्टिंग इफेक्ट किसकी वजह से देखने को मिलता है, जिब्रेलिक एसिड की वजह से देखने को मिलता है। तो जिब्रेलिक एसिड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इन केस ऑफ पेपर्ड मॉथ्स पेल एंड डार्क मॉथ्स आर ऑब्जर्व्ड, पेल वेराइटी इज नोन टू बी द वाइल्ड टाइप वेराइटी, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंडस्ट्रियल मेलानिज्म लेड टू प्रीवेलेंस ऑफ डार्क वेराइटी अराउंड द सिटीज एंड पेल वेराइटी कंटिन्यूड टू बी इन मेजोरिटी इन एरियाज अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, आफ्टर एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन फॉर कंट्रोलिंग पॉल्यूशन reappearance of pale moths in majority was observed around cities again. Driving forces for these eruptive changes is or are, first one is increased pollution around industries, second a stable transposition of a gene in moths, third one limitations of the vision of birds to differentiate dark moths on darkened bugs and pale moths in presence of lichen, and fourth one is ability of lichens to grow on bugs in less polluted areas only. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो आपके मॉथ्स हैं उनकी प्रेजेंस कहाँ पे होगी और उसके लिए रीजंस कौन से रेस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो मॉथ्स हैं वो मॉथ्स जब जहाँ पे पॉल्यूशन जिस जगह लोकेशन पे पॉल्यूशन नहीं होगा वहाँ पे ट्रीज की बार्क पे लाइकन ग्रो करेंगे। लाइकन येलोइस अपीयरेंस पेल अपीयरेंस देती है, उस अपीयरेंस की वजह से जो पेल मॉथ हैं वो पेल मॉथ या येलोइश मॉथ क्या होंगे वो सर्वाइव कर पाएंगे और वो कैमोफ्लेज से प्रेडेटर से बच पाएंगे। ठीक है, अब प्रेडेटर से बच पाएंगे तो हम कह सकते हैं कि उनका नंबर ज़्यादा होगा, बट इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हुआ तो क्या हुआ, ट्री की बाग्स डार्क हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि वहाँ पे जो आपका लाइकन है उसकी ग्रोथ बंद हो गई, उसकी ग्रोथ नहीं हुई तो आपके जो येलो मॉथ है वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की वजह से मॉथ्स ने ब्लैक कलर्ड मॉथ्स वहाँ पे ज़्यादा ग्रो होना स्टार्ट हो गए, ज़्यादा डेवलप होना स्टार्ट हो गए और उनका नंबर इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि वापस से अगर हम क्या करें, वापस से क्या किया गया, रेगुलेशंस लगाए गए ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। तो उसके बाद जो चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है कि वापस से आपके पेल मॉथ्स दिखने को मिल रहे हैं तो वो किस रीज़न की वजह से यहाँ पे होगा। तो पहला हम देखते हैं इंक्रीज पॉल्यूशन अराउंड इंडस्ट्रीज। तो पॉल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से ये एडेप्टिव चेंजेस हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं हम कह सकते हैं। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं तो सेकेंड में दिया हुआ है ए स्टेबल ट्रांसपोजिशन ऑफ ए जीन इन मॉथ्स। तो यहाँ पे कोई भी जेनेटिक चेंजेस की बात नहीं हो रही तो ये हमारा करेक्ट नहीं होगा। थर्ड हम बात करें लिमिटेशंस ऑफ द विजन्स ऑफ बर्ड टू डिफरेंशिएट डार्क मॉथ्स ऑन डार्कन्ड बग्स एंड पेल मॉथ्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइकन्स। ऑब्वियसली बात है कि जो पेल मॉथ्स है वो लाइकन्स की प्रेजेंस में विजिबल नहीं होंगे और डार्क मॉथ्स डार्क मॉथ डार्क बाग की प्रेजेंस में विजिबल नहीं होंगे, तो ये हमारा करेक्ट होगा। एंड फाइनली एबिलिटी ऑफ लाइकन्स टू ग्रो ऑन बाग्स इन लेस पॉल्यूटेड एरियाज ओनली, ये भी हमारा करेक्ट होगा क्योंकि लाइकन्स ओनली लेस पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हमारे, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। हाँ, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए 4 माइक्रोमीटर लॉन्ग बैक्टीरियल सेल वॉज मैग्निफाइड एंड ड्रॉन टू ए डायमेंशन ऑफ 6 सेंटीमीटर, हाउ मैनी टाइम्स हैज इट बीन मैग्नीफाइड। तो यहाँ पे ये माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो साइज ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻², 6 × 10⁻²⁪ मीटर। एंड
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 रेस पावर माइनस 6 मीटर, क्योंकि 4 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा हमारा वो होगा 1.5 इंटू 10 रेस पावर 4, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड नेकेड सीड बियरिंग प्लांट्स बिकॉज दे लैक, हमें पता है जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड्स हैं वो कवर्ड नहीं होते, बिकॉज जो आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें ओवरी प्रेजेंट नहीं होती, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड वन, दैट इज ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एनी डैमेज और इंजरी टू ए पर्टिकुलर एरिया कॉजेज नॉसिसेप्टर्स टू रिलीज सम केमिकल्स विच कैरी द सिग्नल टू द हायर सेंटर्स इन द नर्वस सिस्टम फॉर द प्रोसेसिंग एंड ए सब्सिक्वेंट एक्शन। हाउएवर देयर इज अ डिफरेंस इन द वे इन विच द स्टिमुलस इज रिसीव्ड विच इज रिलेटेड टू द एक्यूटी ऑफ द डिटेक्शन, फिंगर टिप्स आर मोर सेंसिटिव एज कंपेयर टू द फोरआर्म, फॉलोइंग रीजंस फॉर द ऑब्जर्व फिनोमेना वर सजेस्टेड। फर्स्ट वन, द रिसेप्टिव फील्ड्स इन द फिंगर टिप आर स्मॉलर। सेकेंड वन, द नंबर ऑफ नॉसिसेप्टर्स पर रिसेप्टिव फील्ड इन द फोरआर्म इज लेसर। थर्ड वन, द अमाउंट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिंस रिलीज बाय द नॉसिसेप्टर्स पर रिसेप्टिव फील्ड इज मोर इन फिंगर टिप्स। तो हमें इन तीनों में देखना है कि कौन से करेक्ट हमारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले जो आपको दिया हुआ है, दैट इज नॉसिसेप्टर। नॉसिसेप्टर बेसिकली ये होते हैं पेन रिसेप्टर, पेन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर क्या कहलाते हैं, नॉसिसेप्टर। तो जब ये रिसेप्टर जब पेन को रिसीव करते हैं तो उसके बाद ये कुछ रिलीज करते हैं मटेरियल, दैट इज नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिंस। तो यहाँ पे हम बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिंस की बात हो रही है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करते हैं और जितना ज़्यादा पेन होगा उतना प्रोस्टाग्लैंडिंस क्या करेंगे, उसकी इंटेंसिटी को बताएंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो फोरआर्म्स हैं, फोरआर्म में हमें कम रिसेप्शन होता है जबकि फिंगर टिप्स में ज़्यादा रिसेप्शन होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं द रिसेप्टिव फील्ड्स इन द फिंगर टिप आर स्मॉलर, तो रिसेप्टिव फील्ड्स फिंगर टिप में स्मॉलर होगी तो ज़्यादा रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे एंड ज़्यादा सेंसिटिव होगी हमारी फिंगर टिप्स, तो ये करेक्ट होगा। सेकेंड हम बात करें द नंबर ऑफ नॉसिसेप्टर्स पर रिसेप्टिव फील्ड इन द फोरआर्म इज लेसर, तो फोरआर्म में जो नॉसिसेप्टर्स हैं वो क्या होंगे, वो लेस होते हैं, तो ये भी करेक्ट है हमारा। एंड थर्ड वन, द अमाउंट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिंस रिलीज बाय द नॉसिसेप्टर्स पर रिसेप्टिव फील्ड इज मोर इन फिंगर टिप्स, तो आपके जो प्रोस्टाग्लैंडिंस है उसका अमाउंट भी क्या होगा, जब नॉसिसेप्टर ज़्यादा होंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी ज़्यादा रिलीज होंगे, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो हमारे जो तीनों ऑप्शन है करेक्ट है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आपको मिल रहा है, तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि रेट, एक ग्राफ दिया हुआ है उससे रिलेटेड पूछा है आपसे कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन हाइड्रोफाइट्स डिपेंड्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स, द एडजेसेंट ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ वन पैरामीटर वाइल कीपिंग ऑल द अदर्स कॉन्स्टेंट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आपको पैरामीटर का इफेक्ट दिखाया हुआ है फोटोसिंथेसिस की रेट पे। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस, आइडेंटिफाई द पैरामीटर विच इज प्लॉटेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये पैरामीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये जो पैरामीटर है ये बेसिकली बता रहा है आपकी वेवलेंथ को। तो जब हम ग्राफ देखते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको पता है ब्लू एंड रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होती है, हाईएस्ट होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज वेवलेंथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पैरामीटर क्या है, इट इज वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन द स्टडी टूर प्लांट्स विद लेदरी लीव्स विद थिक क्यूटिकल विविपेरी सॉल्ट ग्लैंड्स एपोजियोट्रॉपिक रूट्स एंड स्टोमेटा लिमिटेड टू अवेक्सियल सरफेस वर ऑब्जर्व्ड द प्लांट्स माइट बी। यहाँ पे पूछा है कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं और इन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमें बताना है कि कौन से प्लांट की बात हो रही है। तो हमें दिख रहा है
कि थिक क्यूटिकल है और लेदरी लीव्स है, पहला ये दिया हुआ। सेकंड विविपेरी आपको देखने को मिल रही है। थर्ड वन शॉर्ट ग्लैंड दिखने को मिल रहा है। और फोर्थ एपोजियोट्रॉपिक रूट्स आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमें ये जो फीचर्स देखने को मिलते हैं, ये फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं स्वैम्पी एरियाज में ग्रो करने वाले प्लांट्स, दैट इज मैंग्रोव्स में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वन, दैट इज मैंग्रोव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर डिफरेंट ह्यूमन बॉडी फ्लूइड सैंपल्स वर सब्जेक्टेड टू क्वांटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट वर एज फॉलोज। हमारे पास फोर सैंपल दिए हैं, उनका मेजरमेंट दिया हुआ है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है ए टू डी में कि कौन से सैंपल की जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी है। तो सैंपल ए टू डी हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इन सैंपल को, हम हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन के बेसिस पे इसको हम ऑर्डर में लगा लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें सैंपल ए, आपका जो सैंपल ए है वो सबसे ज़्यादा कंसेंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। सेकेंड वन उससे लेस कंसेंट्रेशन होगी आपके सैंपल डी में, उससे लेस कंसेंट्रेशन होगी आपके सैंपल सी में, एंड सबसे लीस कंसेंट्रेशन होगी आपके सैंपल, सबसे लेस कंसेंट्रेशन आपको देखने को मिलेगी सैंपल डी में। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो ए है जिसमें हाईएस्ट कंसेंट्रेशन मिलती है तो वो आपका क्या होता है, गैस्ट्रिक एचसीएल। तो यहाँ पे सबसे पहला हमें जो दिया हुआ है सैंपल ए, दैट इज गैस्ट्रिक एचसीएल। तो ये सिर्फ हमें किस में मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है फ्रॉम ए टू डी।